खरगोन घटना के बाद एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। बैठक में गृह मंत्री समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। डीजीपी ने कानून व्यवस्था से मुख्यमंत्री को कराया अवगत। खैरागढ़ में बनाया गया संगवारी मतदान केंद्र। केंद्र पर बनाई गई रंगोली और सेल्फी जोन। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की गई। गर्मी से बचने के लिए की गई पंखा कूलर की व्यवस्था। खैरागढ़ में कोमल जंगेल ने उपचुनाव में किया जीत का दावा। कोमल जंगेल का बयान। कोमल जंगेल ने बताया, मतदाताओं का आशीर्वाद मेरे लिए ताकत। मुकाबला कांग्रेस से है। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट। खरगोन की घटना की गलत तस्वीर ट्वीट की। बिहार की तस्वीर को खरगोन का बताकर किया ट्वीट। दिग्विजय सिंह ने सादा सरकार पर निशाना। खरगोन की घटना पर ट्वीट कर सरकार को घेरा। ट्वीट के जरिए सरकार से पूछे सवाल। हथियारों के साथ जुलूस निकालने की इजाजत किसने दी? क्या पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सीएम शिवराज का पलटवार। उनका ट्वीट धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र। ये प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के गलत ट्वीट का मामला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। दिग्विजय सिंह ने भ्रम फैलाने का काम किया। विशेषज्ञों से ले रहे हैं राय। दिग्विजय के खिलाफ होगी वैज्ञानिक कार्रवाई। खरगोन में कर्फ्यू का उल्लंघन करना एक शख्स को पड़ा महंगा। कर्फ्यू के उल्लंघन पर पुलिस ने की पिटाई। पुलिस ने घर से बाहर ना निकलने का जारी किया है आदेश। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। रायपुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। 3 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन। 26 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद है। एम्बुलेंस सेवा भी बंद। ड्राइवर भी हड़ताल पे शामिल हुए। खरगोन के बाहरी इलाकों में हिंसा। बरसाना कॉलोनी में देर रात आगजनी। उपद्रवियों ने कई वाहनों को किया आकिया वाले। लोगों के घरों पर पत्थर भी फेंके। लोगों की शांति बनाए रखने की अपील की। 8वीं-9वीं कक्षा की परीक्षा को किया गया स्थगित। कटनी में व्यापक घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। एनएसयूआई ने शहर में निकाला मशाल जुलूस। सैकड़ों युवा हुए मशाल जुलूस में शामिल। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। शिवपुरी में प्लाईवुड से भरे ट्रक में लगी आग। बानगढ़ के पास हुआ यह हादसा। चालक परिचालक की बची जान। दिल्ली से इंदौर जा रहा था ट्रक। खंडवा में गोवंश से भरे 3 ट्रक पकड़े जाने का मामला। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रकों में की तोड़फोड़। ट्रकों से पशुओं को नीचे उतारा गया। रीवा में किसानों ने किया जल सत्याग्रह। घंटों तक पानी में खड़े होकर जताया विरोध। एमएसपी पर कानून बनाने की कर रहे मांग। सरकार को चेताने के लिए किया जल सत्याग्रह। बड़वानी में मजदूरों के वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में एक मजदूर की मौत। 2 मजदूर जख्मी। अस्पताल में हुए भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। खैरागढ़ में यशोदा वर्मा ने किया उपचुनाव में जीत का दावा। यशोदा वर्मा ने पति ने मिठाई खिलाकर दी बधाइयां। बघेल सरकार के विकास कार्य के दम पर जीतेंगे चुनाव। जगदलपुर में बस्तर रेल आंदोलन के तहत पदयात्रा। रेलवे के विस्तारीकरण की मांग को लेकर आंदोलन। जगदलपुर पहुंची पदयात्रा का हुआ स्वागत। 176 किलोमीटर की निकाली गई पदयात्रा। बस्तर रेल आंदोलन को सामाजिक संगठनों का समर्थन। उज्जैन में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। 2 पुरुष 1 महिला का मिला शव। डुंगरिया की झाड़ियों में मिली लाश। माँ बेटे और पोते की हत्या। 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का दिग्विजय सिंह पर हमला। बोले दिग्विजय अपने ट्वीट से समाज में विघटन पैदा करते हैं। दिग्विजय ने बिहार की घटना को एमपी की घटना बताया। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का आज टीजर होगा आउट। फिल्म 27 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। आलिया रणबीर कपूर की शादी की मची धूम। राज कपूर का बंगला रोशनी से जगमगाया। आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं। वरुण धवन समेत कई डांस सितारों ने किया जमकर डांस। डांस का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम के बाद अब महंगी होगी उबर की सर्विस। देना होगा 12% ज्यादा किराया। झारखंड के देवघर रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हवा में लटकी 15 जिंदगियों को बचाने की चुनौती। सेना ने 32 को बचाया। 3 की मौत। सीएम सोरेन ने दिए जांच के आदेश। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज को दी बधाई। ट्वीट के जरिए दिया सीधा संदेश। शांति और बेहतर संबंध के लिए छोड़ना होगा आतंक का साथ।